हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कॉन्ग नाइस। टुडेज टॉपिक इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट मींस टू वन वर्ड ऑफ मैनी वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू इट्स मीनिंग। व्हाट इज इट? लेट्स स्टार्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आर द फ्रेसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट मीनिंग एंड रिप्लेस अ फुल सेंटेंस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब होता है जब एक पूरा सेंटेंस मीन्स टू से पूरा फ्रेस जिसको हम सिर्फ एक वर्ड में चेंज कर देते हैं उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मतलब जैसे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होता है जब एक बंदा खुद की इंट्रोडक्शन देता है, मतलब खुद के बारे में लिखता है, राइट हिम सेल्फ हर सेल्फ जो भी है, मतलब खुद के बारे में जब कोई इंसान लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। मतलब एक पूरा सेंटेंस लिखना और एक अक्षर में ही, एक वर्ड में ही डिफाइन कर देना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स। दिस रिप्लेसमेंट इज डन विदाउट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एम्बिगिटी। इससे कोई भी एम्बिगिटी नहीं आती, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती रिप्लेसमेंट करने से। इट मेक्स लैंग्वेज ब्यूटिफुल एंड ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल। इससे लैंग्वेज क्या है, अच्छी लगती है और कॉम्प्रिहेंसिबल, ईजी समझ आ जाती है। इट ऑल्सो क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट वाइल राइटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अगर हम कुछ भी राइट कर रहे हैं या कोई भी बातचीत कर रहे हैं उस पर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेट्स स्टार्ट, हम एग्जाम्पल्स करते हैं इसकी। फर्स्ट है अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न। मतलब एक बंदा जिसको समझना, मतलब जो धीरे धीरे समझता है, मतलब चीजों को धीरे धीरे समझता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डंस, DUNC, डंस। तो आप ये देखो, इतनी लंबी लाइन को हमने एक ही वर्ड में रिप्लेस कर दिया, इसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको हम क्या और भी क्या कह सकते हैं, वन वर्ड ऑफ मैनी वर्ड्स। सेकेंड है द पाथ इन विच प्लैनेट मूव। वो कौन सा पाथ है जिसमें सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट, विजिट अ प्लेस ऑफन, जहां हम अक्सर जाते रहते हैं जिस जगह पे, उसको हम बोलते हैं हॉन्ट, HAUNT, हॉन्ट। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन बी हियर्ड, जिसको सुन सकते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो पर्सन गॉड पर, मतलब भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसको हम बोलते हैं अथेस्ट, ATHEIST, अथेस्ट। नेक्स्ट, अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, मतलब एक शब्द का जो उल्टा शब्द होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोनियम, ANTONYM, एंटोनियम। नेक्स्ट है अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। वही जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जब एक बंदा खुद के बारे में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा अ नंबर ऑफ पर्सन लिसनिंग टू अ लेक्चर। मतलब जब एक क्लास होती है या कोई भी
चीज लगा लो, कोई फंक्शन हो गया या कुछ भी, जब पूरे मतलब लोग क्या है एक लेक्चर सुन रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस, देखने वाले को भी, देखने वाले को तो स्पेक्टेटर भी बोलते हैं, और सुनने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ वन पर्सन, जब एक बंदे द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है मतलब चलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ पोयम, अ कलेक्शन ऑफ पोयम, पोयम्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। इट्स स्पेलिंग ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है एनिमल्स विच लिव इन अ वॉटर, वो वाले एनिमल जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक। नेक्स्ट है हमारा अ लवर और कलेक्शन ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार होता है हम उसको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। BIBLIOPHIL, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है हमारा अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? बकेट, बुक्के भी बोलते हैं ना, वही है ये, BOUQUET। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, वो जगह हमें जहां पर पूरी शांति और खुशी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया, UTOPIA, टोपिया। नेक्स्ट है इवनिंग प्रेयर इन आ चर्च, चर्च में जो शाम को प्रेयर होती है उसको हम बोलते हैं वेस्पर्स, VESPERS, वेस्पर्स। एन अलमीरा वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वो अलमीरा जिसपे हम कपड़े रख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वार्डरोब, WARDROBE, वार्डरोब। अ प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी, मतलब रिफ्यूजी, मतलब रिफ्यूजी लोगों को जो जगह दी जाती है मतलब सोल्जर्स को या कोई और हो गए उनको हम क्या बोलते हैं? शेल्टर। नेक्स्ट है वन हु ईट्स एनिमल फ्लैश, मतलब सॉरी, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब जो मांस खाते हैं एक जीवित इंसान का उसको हम बोलते हैं कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल। वन हु बिलीव्स इजिली अदर्स, जो दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस। नेक्स्ट है वन हु टीच डांसिंग, जो डांस सिखाता है उस टीचर को हम क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जिस पर्सन को बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक, मतलब लिंग्विस्टिक, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है
वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जिसको यही नहीं श्योर है कि गॉड प्रेजेंट है या नहीं, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक. नेक्स्ट, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन. वो बंदा जो कोई भी काम अपनी खुशी के लिए करता है, ना कि पैसे के लिए, उसको हम बोलते हैं अमच्योर. AMATEUR, अमच्योर. नेक्स्ट है 24th, वन हु कैन यूज इधर हैंड विद ईज, मतलब जो अपने दोनों हाथ आसानी से यूज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्चर. AMBIDEXTROUS, एम्बीडेक्स्चर्स, जो अपने दोनों हाथ इजीली यूज कर सकता है, एम्बीडेक्स्चर. नेक्स्ट है वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जो स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक्स करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर. कैकोग्राफर. नेक्स्ट, वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो सिर्फ खुशी के लिए खाता पीता है, उसको हम बोलते हैं एपिक्योर. EPICURE, एपिक्योर. नेक्स्ट, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स. एक बंदा जो अपनी बस जो उसने अचीव किया है उसके बारे में ही हमेशा बातें करता रहता है, उसको हम बोलते हैं इगोटिस्ट. EGOTIST, एगोटिस्ट. नेक्स्ट है हमारा समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर. वो बंदा जो एक कंट्री छोड़ देता है और दूसरी कंट्री में अपना प्रोफेशन सेट करता है, मतलब रहने के लिए चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एमिग्रांट. EMIGRANT, एमिग्रांट. नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन फेट, मतलब जो किस्मत पे, फेट में विश्वास रखता है, उसको हम बोलते हैं फटलिस्ट. FATALIST, फटलिस्ट. नेक्स्ट है हमारा 30th सेंटेंस, अ लवर ऑफ गुड फूड, जिसको अच्छे भोजन से प्यार होता है, उसको हम बोलते हैं गोमेंट. GOURMANT, गोमेंट. नेक्स्ट है हमारा वन हु इज अनेबल टू पे डेट, जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता, मतलब चुकाने के लिए एबल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इनसोल्वेंट. INSOLVENT, इनसोल्वेंट. नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज मेंटली इल, जो बंदा मानसिक तौर पर बीमार होता है, मतलब मेंटली बीमार होता है, उसको हम बोलते हैं लुनेटिक. LUNATIC, लुनेटिक. नेक्स्ट है हमारा वन हु को कलेक्ट कॉइन्स एज अ हॉबी, मतलब जिसकी हॉबी सिक्के इकट्ठे करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टिस्ट. NUMIST, न्यूमिस्टिस्ट. नेक्स्ट है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड का लवर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फिलंथ्रोपिस्ट. फिलंथ्रोपिस्ट. नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज,
जो बंदा एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलता है उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट, PolyGlot, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है हमारा आ पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग, जो गाने गाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगर। ये थोड़े इजी है यहाँ से। अ पर्सन हु वीव्स क्लॉथ्स, जो कपड़े बुनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीवर, WEAVER, वीवर। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु मेक्स पॉट्स, जो पॉट बनाता है मतलब गमले बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉटर, PotER, पॉटर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वर्शिप गॉड, मतलब जो गॉड की पूजा करता है, वर्शिप होता है पूजा करना, पूजा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट मतलब पुजारी। अ पर्सन हु सर्व इन आर्मी, जो मतलब आर्मी में जॉब करता है मतलब देश के लिए सर्व मतलब सेवा करता है उसको हम बोलते हैं सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स। अ पर्सन हु टीच अस, जो हमें पढ़ाता है उसको हम बोलते हैं टीचर, ये तो आप सभी को पता ही है। अ पर्सन हु बेग्स फॉर मनी, मतलब जो पैसे की भीख मांगता है खाने पीने के लिए अपने, उसको हम बोलते हैं बैगर, BEGGER। अ पर्सन हु ड्राइव अ व्हीकल, जो व्हीकल चलाता है हम उसे बोलते हैं ड्राइवर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट प्रोज, जो प्रोज लिखता है मतलब कुछ भी कविताएं पोएम्स, उसको हम बोलते हैं राइटर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स, जो चीजें बेचता है उसको हम बोलते हैं शॉपकीपर, सेलर भी बोल सकते हैं। अ पर्सन हु परचेज थिंग, मतलब जो परचेज करता है चीजों को बाय करता है उसको हम बोलते हैं कस्टमर। नेक्स्ट अ पर्सन हु हंट वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर का शिकार करता है उसको हम बोलते हैं हंटर। नेक्स्ट अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट, जो पेशेंट्स की संभाल करता है मतलब पेशेंट्स को अटेंड करता है उनका इलाज करता है उसको हम बोलते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट अ पर्सन हु मेक्स थिंग ऑफ आयरन, वो बंदा जो लोहे की चीजें बनाता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लोहार, और इंग्लिश में आयरन स्मिथ। ऐसे ही और भी कई सेंटेंसेस होते हैं, जैसे जो गोल्ड बनाता है उसको बोलेंगे गोल्ड स्मिथ, ये लोहा बनाता है इसको हम बोलेंगे आयरन स्मिथ। फादर एंड मदर, अपने माता पिता को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स। हस्बैंड ऑफ अ क्वीन, एक रानी का हस्बैंड कौन होएगा, राजा। अ पीरियड ऑफ 365 days, मतलब 365 दिन को हम क्या बोलते हैं, ईयर, YEAR। अ पर्सन हु लिव्स इन इंडिया, जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडियंस। अ पर्सन हु राइट्स पोयम, जो पोयम लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोएट। नेक्स्ट है हमारा द प्लेस वेयर चिल्ड्रन रीड, जहां बच्चे पढ़ते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, स्कूल। द प्लेस वेयर द हिंदू वर्शिप, जहां हिंदू लोग पूजा करने के लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पल। अ स्ट्रॉन्ग हेड कवर फॉर टू व्हीलर ड्राइवर, जो एक ड्राइवर टू व्हीलर पर जाते हुए अपने हेड कवर करने के लिए पहनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलमेट।
HELMET हेलमेट। अ सब्सटेंस टेकन टू क्योर इलनेस, मतलब बीमारी से बचने के लिए हम जो खाते हैं उसे हम बोलते हैं मेडिसिन, MEDICINE। अ डिवाइस दैट टेल्स टाइम, वो कौन सा डिवाइस है जो हमें टाइम बताता है, वॉच। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स को हिंदी में बोलते हैं बातूनी, मतलब जो बहुत ज्यादा बातें करता है। अ पर्सन हु स्टील्स, जो चोरी करता है उसे हम बोलते हैं थीफ। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 डेज को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं, वीक, WEEK, वीक। नेक्स्ट वाइफ ऑफ अंकल, मतलब अंकल की घर वाली को हम क्या बोलते हैं, आंट। अ मैन हु स्पेंड्स टू मच, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्चता है उसको हम बोलते हैं स्पेंड थ्रफ्ट। इसकी स्पेलिंग है SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रफ्ट। अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, दो दो जो दो लैंग्वेज बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाई लिंगुअल, बाई लिंगुअल। अ प्लेस फॉर कीपिंग डॉग, जहां डॉग रहते हैं उसको हम बोलते हैं कैनल, KENNEL। हुज पेरेंट्स डेड, जिस बच्चे के पेरेंट्स मर चुके हों उसको हम बोलते हैं ऑर्फन, ORPHAN। हु डजंट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्केप्टिक। तो ये थे हमारे आज के 68 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep indoors, subscribe this channel and squeeze the bell icon for more updates and videos of exclusive topics.